विदा की केवन इज़ क्लोज़ एंड के टू ओपन यहाँ पर देखिए के वन क्या है इनिशियली क्लोज है और के टू क्या है ओपन है वेन केवन इज़ ओपन एंड के टू इज़ क्लोज सैमल्टेनियसली फाइंड द मैक्सीम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर एंड मैक्मम चार्ज स्टोर इन इट तो जब हम क्या करते हैं केवन को ओपन कर देते हैं और के टू को क्लोज़ करते हैं सैमल्टेनियसली तो हमें बताना है मैक्सीम चार्ज कैपैसीटर में कितना इस्टोर होगा और मैक्मम पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के अक्रॉस क्या होगा सो so, देखिए जब यहाँ पे इनिशियली टीक्वल टू ज़ीरो पर क्या है के वन क्लोज़ है और के टू क्या है ओपन है सो so, हमारा सर्किट कैसा बनेगा ये एल बनेगा और यहाँ पे आर रहेगा और ये बैटरी को मान लेते हैं ई एम एफ ई है तो हमारा सर्किट जो होगा वो ऐसा बनेगा सो ये लॉन्ग टाइम से क्लोज था तो यहाँ पर जो इंडक्टर होगा वो कैसा बिहेव करेगा एज अ वायर बिहेव करेगा सो इसमें कम्प्लीटली मैक्सिमम करेंट फ्लो हो रही होगी इस टाइम पे सो so, हम लोग इस करेंट की वैल्यू निकल लिख सकते हैं ई एम एफ बाई आर सो ई एम एफ ऑफ बैटरी डिवाइडेड बाई रजिस्टेंस सो ये मैक्सिमम करेंट की वैल्यू हो गई तो so, यानी कि इससे क्या होगा कि यहाँ पे एनर्जी स्टोर हो जाएगी कैपेसिटर में मतलब इंडक्टर में एनर्जी स्टोर हो जाएगी कितनी हाफ़ एल आई स्क्वायर सो एल आई नॉट स्क्वायर हो जाएगा सो so, यहाँ पे हाफ एल ई बाय आर का स्क्वायर हो जाएगा अब हमसे बोला है के टू को क्लोज़ किया और के वन को ओपन कर दिया गया एकदम से मतलब साइमल्टेनियसली सो जब के वन को ओपन कर दिया है और के टू को क्लोज़ कर दिया है तो हमारी सर्किट कैसे बनेगी ये कैपेसिटर लगेगा और के वन क्या है ओपन हो गया है सो so, ऊपर इंडक्टर रहेगा सो so, अब देखिए एल सी सर्किट बन गया है तो एल सी सर्किट बन गया जिसमें हमारे पास एनर्जी जो थी एनर्जी इसमें स्टोर थी इंडक्टर में सो so, अब मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस द कैपेसिटर क्या लिख सकते हैं हम लोग जितना मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इसके एकरॉस होगा यानी कि जो एनर्जी इसकी होगी वही तो इसकी एनर्जी हो जाएगी कैपेसिटर की तभी तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा सो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी कि एनर्जी अक्रॉस इंडक्टर जो होगा वो एनर्जी अक्रॉस कैपेसिटर इक्वल होगा तभी तो इसके अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा सो एनर्जी ऑफ इंडक्टर क्या होता है हाफ एल ई बाय आर स्क्वायर ई बाय आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एनर्जी अक्रॉस द कैपेसिटर का क्या फॉर्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर सो यहां से हाफ सी वी स्क्वायर यानी कि वी क्या है पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर सो ये पोटेंशियल क्या होगा ये मैक्सिमम पोटेंशियल होगा क्यों क्योंकि हम इसकी एनर्जी को इसके इक्वल कर रहे हैं सो so, यहाँ पे वी मैक्स स्क्वायर होगा तो यहाँ से हाफ हाफ कट जाएगा तो यहाँ से वी की जो वैल्यू आती है वो ई बाय आर अंडर रूट एल बाय सी आती है फिर हमसे पूछा मैक्सिमम चार्ज सो मैक्सिमम चार्ज क्या होगा क्यू बराबर क्या होता है सी इंटू वी सी इंटू वी तो वी क्या है मैक्सिमम ये है सो so, ये हो जाएगा सी इंटू ई ई बाय आर रूट एल बाई सी तो ये सी से ये सी क्या होगा ऊपर रूट आ जाएगा सो ई बाय आर अंडर रूट एल सी सो ये दोनों हमारे फाइनल आंसर हो जाते हैं थैंक यू क्लास सिक्स टू ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट नेटअप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर